यहूद की तारीख पढ़िए, उनमें जो ईमान लाए थे, चूँकि अब वो अपने आप को यहूद कहते हैं अलग बात है, लेकिन जब ईमान वाले थे, ईमान लाए थे, ये गुफाओं में ज़िंदगियाँ गुजारते थे, मालूम आपको, पैदा हुए बच्चे को रोने नहीं दिया जाता था ताकि फ़ौज को ना पता चल जाए। ख़ास तौर से ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद इनकी गुनाहों का भी नतीजा था ये, जब टाइटस इनके ऊपर हावी हुआ यूनानी बादशाह, देखिए कैसा खदेड़ा इनको, इनकी सदियों गुजर गई इनकी सिर्फ गुफाओं में रहने के अंदर, गुफाओं में ज़िंदगियाँ गुजारी, बच्चों को पैदा होकर रोने नहीं दिया था इसलिए कि मालूम हो जाएगा तो मारे जाएंगे। ये हुआ, खुद बनी इसराइल को मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में 40 साल तक घुमा गया ना, सिर्फ एक गलती की थी तो कितना साल घूमना पड़ा था, याद है ना आपको, 40 साल तौबा करना पड़ी थी उनको, दो दिन में नहीं होने वाला। तो फैसला आपने तो बोल दिया 4 दिन से अमल हो रहा, पूरी कौम अगर बामल हो जाए तो फिर एक अलग बात है, लेकिन होता नहीं है ऐसा, तारीख इसकी गवाही नहीं देती। याद रखिए यहूद नसारा की तारीख पढ़ा कीजिए, क्योंकि हमसे पहले ईमान लाने वालों की तारीख है। उन्होंने अलग बात है कि मुस्लिम कहने के बावजूद भी यहूद कहना पसंद किया, उनको मुस्लिम कहने के बावजूद भी नसारा कहना पसंद किया, बट वही तो गलती हम करने वाले हैं। अल्लाह के रसूल हदीस से फरमा दिया ना, तुम भी उनके नक्शे कदम पर चलोगे, बालिश दर बालिश, हाथ दर हाथ, अगर उनमें से एक गो के सुराख में घुसेगा, एक छिपलक के सुराख में घुसेगा, कोई रीज़न नहीं है, तुम भी घुसोगे उनके पीछे, और उनमें से कोई अपनी माँ के साथ नौज़बिल्लाह ज़िना करेगा, तुम भी करोगे वो काम, तुम भी जाओगे उनके पीछे। एक रिवाज ने फरमाया तुम भी उनके पीछे हाथ दर हाथ बालिश दर बालिश चलोगे। पूछा कि आखिर कौन, ये रूमी तो कहाँ और कौन, और रूमी से मुराद यूरोपियन, तो कौन रूमी तो कहा हाँ वो उनमें से एक छिपलक के सुराख में जाएंगे, तुम भी जाओगे। गो होता है ना गो, घोड़फोड़ बोली आम जबान में, या गो बोले थे काल है जैसा, इतनी छिपलक होती मोटी, हमारे इधर तो नहीं होती लेकिन यूपी वगैरह के स्टेट्स में बहुत कॉमन होती, बहुत काली होती, अलग उसका नाम भी अलग, यहाँ घोड़फोड़ बोलते हैं वहाँ कुछ और बोलते हैं, उसको बोलते हैं, बहुत छोटा सुराख होता है, वो क्यों घुसते उसके सुराख में, कोई रीज़न नहीं, तुम भी घुसोगे, मतलब वो भी रीज़न लेस काम करेंगे, तुम भी जो वो करेंगे, मतलब वो जो कर रहे भाई माए बाप है हमारे, वो बड़े जो कर रहे बहुत आगे है, उनके पासपोर्ट हम उनकी वीज़े उनका वीज़ा हमारे पासपोर्ट में लगना एजाज़ की बात रहेगी, तो वो जो करेंगे, और वो माँ के साथ जिना करेंगे तुम भी करेंगे। उनकी तारीख हमें बहुत सारी चीज़ों को बताती है। अस्सलामु अलैकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल हासिल करने के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें और सवाब के हकदार बने। रोजाना हमारे नए वीडियोस पाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडीज़ को सर्च करें। जजाकल्ला।